यही बात जन्म से बधाई तुम्हें जन्म की बधाई बधाई तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। अभी जो है पांच पुत्रों का पूजन होगा और प्राण काल में आपको घर जाकर के भगवान के सामने दीपक भी जलाना है ना। जितने वर्ष का व्यक्ति करके जो है दीप जलाए दीप देव देवता से प्रार्थना करें कि भगवान आपकी ज्योति के समान हमारा जो प्रकाशवान बन जाए, ऐसे जो है आप प्रार्थना भी करेंगे। अगर केक भी काटना है तो केक के आस पास रखकर दीपक जला सकते हैं, नहीं तो केक काटना हमारे संस्कृति में नहीं आता है। दीपक बुझाना अशुभ माना जाता है, इसलिए दीपक जलाना चाहिए, दीपक बुझाना नहीं चाहिए। हर एक वर्ष के दीपक तुमने जलाए, तुम्हारा यह जीवन यूं ही जगमगाए। स्वयं हो प्रकाशित अंधेरा मिटाए, भटकते हूँ को तुम राह दिखाए। यही बात इन दीपकों ने बधाई तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। और आप सभी को जो है फूल की माला भी पहनाई गई है पुष्प के द्वारा, सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया है। तो कुछ तो हमको क्या बताता है, कुछ बताता है सुमन सा सुगंध रहो मुस्कुराओ, ये जीवन सुमन देवता को चढ़ाओ। जियो लोक हित और आशीष पाओ, जीवे न सरदम सतत व्रत निभाओ, जीवे न सरदम सतत व्रत निभाओ। इस जीवात से पुष्प अंजलि चढ़ाए तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें विवाह दिन की बधाई बधाई। और आज हम अभिवाद्य